गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्क्रीन पे है, तो उसको देखिए क्वेश्चन को। वो कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि अगर उन दोनों को सम कर दें, किसी दो नंबर्स को सम कर दें, उनका सम कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास था ये नंबर है, मेरे पास पहला एग्जांपल है टेस्ट में 2/8, इसमें क्या सम करूं कि मैं इसको 0 आ जाए। ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए 2/8 है, अगर मैं इसको सम करूं किससे, -2/8 से। ठीक है, जितना नंबर है उसमें से उतने नंबर माइनस कर देना सिंपल सी लैंग्वेज में, तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 है, 3 में क्या सम करूं कि मेरे को 0 आ जाए, तो 3 में क्या सम कर सकता हूं मैं, -3 सम कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया, जैसे कि नंबर लाइंस पे, जैसे हमने क्लास 7 में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्लास 7 में हमने जब पढ़ा था, तो था कि जैसे -3 है, ठीक है, अब इसमें मैं क्या सम करूं कि 0 आ जाए, तो हमारे पता होना चाहिए -2 -1, तो हमारे पास -3 से यहां तक कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो कितने हम प्लस करते हैं, हमेशा कहां जाते हैं, राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो कितने कॉम्प्लीमेंट हुए, 1 2 3, तो कितना सम किया, 3, इसमें -3 में कितना सम कर दिया, 3, तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यही हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर दो नंबर्स को मैं सम कर दे तो उसका सम कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर दे रखा है, मेरे पास दिख रहा है 5/6, तो मैं इसका एडिटिव इनवर्स बोल सकता हूं -5/6, क्योंकि मेरे को पता है 5/6 और प्लस करूंगा किसको, -5/6 को, तो कितना आना है इसका आंसर, 0 आना है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में चेंज कर दो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे वो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो। अगर मेरे पास है -3, इसका मेरे को एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3, क्यों, -3 + 3 कितना होता है, 0। ठीक है, तो लैंग्वेज नॉर्मल से बच्चे क्या करते हैं, बस कह देते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो बता देते हैं कि सम साइन चेंज कर दो, उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, इसकी लैंग्वेज गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जिन दो का सम 0 आ जाए उसे बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है, कि उन दोनों को सम कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो अगर मेरे को लिखना होता माइनस, मेरे को करना होता 2/8 का एडिटिव इनवर्स, तो मैं क्या कर देता, ये लिखता -2/8। ऐसा क्यों हुआ, 2/8 प्लस माइनस एक साथ गया तो -2/8। ठीक है, इसको मैंने बोला 2/8 प्लस माइनस -2/8, तो कितना आ गया, 0। क्लियर हो गया यहां तक का। ठीक है, तो हम लोग किसी का भी एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं। इस वाले फर्स्ट वाले जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें बताना है -5/9 का एडिटिव इनवर्स। -5/9 का क्या होगा, मैंने क्या बोला, साइन चेंज कर देंगे, तो -5/9 के इसके अंदर होगा 5/9 में जगह से एडिटिव इनवर्स क्यों होगा, ये भी एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। -5/9 प्लस 5/9, इन दोनों को हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लिया मैंने, दोनों का कितना है, 9 आ गया, -5 आ गया, +5 आ गया। ठीक है, तो 0/9 इसका भी कितना होता है, 0। क्लियर है, अगर ना आए तो फिर पूछना जरूर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मेरे को नहीं आए क्वेश्चंस, मेरे को बताइए। ठीक है, अगर आ जाता है तो भी बताइए कि कहां पे कौन सा मेथड इजी था, नंबर लाइन इजी थी या सिंपल इसको साइन चेंज कर देना ज्यादा इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे क्या रहता है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको पता रहता है कि कौन सी मेथड्स इजी है, कौन सी मेथड्स जल्दी समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद है -6/-5। देखिए माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, पहले तो इसका मतलब सिंपल सा बन जाता है, क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, या मैं इसको ये लिखूं या लिखूं मैं इसको 6/5, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि माइनस का माइनस प्लस बन जाता है। ठीक, तो क्या हो गया, -6 और यहां हो गया ये -6 और ये -5 है, तो ये हो गया 6/5। तो हमारे पास नंबर ये है, इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर 6/5। ठीक है, अब मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, किसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, 6/5 का लिखना है। मैक्सिमम मिस्टेक्स इसी में होती है कि लोग समझते हैं -6/5 ये माइनस है, अब मेरे को एडिटिव इनवर्स लिखना है इसका, तो वो लिख देते हैं 6/5। अगर आप लिखेंगे ये दोनों का मतलब ये ही है, ये जो लिखा है मैंने -6/5 और -5, इसका मतलब 6/5 ही है। ठीक है, तो मेरे को एडिटिव इनवर्स किसका लिखना है, 6/5 का लिखना है। ठीक है, तो ये जो साइन, अगर दो नंबर दो
उसका मतलब होता है प्लस हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 6/5 ही बन जाता है, ठीक है। इसका एक्सटर्नल मीनिंग हो गया -1/-1 से मैंने डिवाइड करना है किसको, -1 को करना है, -1 से अगर मैंने डिवाइड करना है -1 को, यहां पर कितना लिखना पड़ेगा 1, क्यों लिखा मैंने 1, क्योंकि 1 से इनटू क्या मैंने -1 × 1 कितना आया -1, तभी तो यहां को -1 लिख पाऊंगा, तभी कैंसिल आउट होगा, यही होगा इसका मतलब, समझ में आया, क्यों -1 से मैंने डिवाइड किया 1 तो तब मैंने -1 × 1 किया तो -1 आ गया, जैसे ये होता है 2/8। अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, जैसे यहां लिख देता हूं 2/8, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, वो नंबर लिखता हूं जिसको मल्टीप्लाई करने को यहां पे आ जाए, तो मैंने क्या लिखा 4 × 2 = 8, तभी यहां पे कैंसिल होता है सिंपल। अब ऐसे ही यहां पे होता -6/-5 का, ये मैंने कैसे कट आउट कर दिए, इसका मतलब हो गया -1 × 6/-1 × 5, ठीक है। ये दोनों को आपस में इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे तो कितना है 1 आ गया, 1 × 6/5 आ गया, तो नंबर कितना बन गया 6/5 आ गया, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हमें बताया जाता है कि माइनस से माइनस कट हो जाता है, वो कैसे कट होता है, उसका रीजन ये होता है -1 को डिवाइड करते हैं हम लोग -1 से, तो जब मैं -1 को -1 से डिवाइड करता हूं तब 1 आता है, लेकिन नॉर्मल में क्या बताया जाता है कि माइनस से माइनस को कट कर दो सिंपल, ठीक है। तो ये ठीक है, इजीएस्ट मेथड है, इसका हम लोग यूज करना चाहिए, लेकिन हमें क्या बताना चाहिए कि -1 से -1 डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड होता है, क्यों होता है ये बता दिया आपको, -1 × 1 = -1 होता है, इसलिए होता है, ठीक है। अब मेरे को किसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि मेरे को इसमें एडिटिव इनवर्स लिखना है 6/5 का, ना कि -6 − 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया, जब हमें ये पता चल गया कि 6/5 होता है तब हम लोग बता सकते हैं आगे को कि इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा -6/5, क्यों होगा ये आपको बता चुका हूं, 6/5 प्लस कर दिया इसको -6/5 से तो ये ऊपर होगा, तो 6/5 प्लस माइनस 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 6/5 तो एलसीएम 5 6 − 6 = 0/5 = 0, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका जस्ट साइन का चेंज कर देना, ठीक है। तो मैंने इसका साइन चेंज करके ये लिख लिया, सेम इसके बाद 2/9 है, इसको आप पुट करेंगे, लास्ट पार्ट बता रहा हूं मैं, ये जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना है 2/-9 का आंसर, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में बता रहा हूं आपको 9/-6, ठीक है। 9/-6 का एडिटिव इनवर्स लिखना है हमने, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमें पता है कि -6 है, -6 नीचे हो या आपके ऊपर एक ही बात है, लेकिन साइन यहां लिखो या यहां, तो इसका मतलब हो गया -9/6, इसका एडिटिव इनवर्स हमने बताना है, ये लिखूं या इसको ये लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है -90/6 का, तो मैं इसको लिखूंगा 90/6, क्योंकि मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। अब ये एक ही बात होती है, तो मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों बोला मैंने, इसका मतलब है 90/-1 × 6, ठीक है। तो -1 है, -1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसको, 19 को डिवाइड करूं -1 से, तो ये बन जाएगा -9, ठीक है। तो ये हो गया -9 भी हमारा बन जाएगा -19/6, तभी मैंने बोला कि ये लिखो या फिर इसको ये लिखो, एक ही बात होती है, इसलिए बताया आपको, ठीक है। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स लिखना था, तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स लिख दिया, -19/6 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6, क्यों, इसको मैं लिख सकता हूं 19/6 -19/6 प्लस 19/6 एलसीएम आ गया 6, ठीक है। ये हमने बहुत बार कर दिए, -9 + 19 = 0/6 = 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे एंड होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।